झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर स्थित त्रिकूट रोपवे हादसे और लोहरदगा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। दोनों हादसों में मृतक के परिजनों को राज्य सरकार 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि देगी। साथ ही दोनों घटनाओं में घायल हुए लोगों का इलाज राज्य सरकार कराएगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दोनों घटनाओं को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। इसके बाद सीएम ने देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे की जांच के लिए उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने के साथ साथ गठित समिति में रोपवे से संबंधित विशेषज्ञों को शामिल किए जाने के निर्देश दिए और मामले में प्राथमिकी दर्ज किए जाने का भी निर्देश दिया गया। बता दें कि देवघर के त्रिकूट रोपवे हादसे में विभिन्न ट्रॉलियों में 49 लोग फंसे थे। 46 घंटे की रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 46 लोगों को ट्रॉली से सुरक्षित निकाला गया। हालांकि 2 लोगों की मौत एयरलिफ्ट के दौरान हो गई थी, वहीं एक अन्य की मौत पहले ही हो चुकी थी। जबकि लोहरदगा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। इस झड़प में 1 व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हुए थे। इन दोनों मामलों को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक की और मुआवजे का ऐलान किया। देसवा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।